हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजा। तो भाई साहब, पूजा पहुंच चुकी है डीजे की लोकेशन पर, लेकिन भाई वो तो उधर अलग रूप में उसने देखा हुआ है, लेकिन इधर अलग रूप में। अब आगे देखते होता है क्या। स्टार्ट पंडित जी, डीजे डीजे सुना रही इसको सब। मुश्किलें दो तरह की होती हैं पूजा, एक जो हमें रुला दे और दूसरी जो लड़ने पर मजबूर करे। मैं मुकाबले में यकीन रखता हूं, इसीलिए औरों से अलग हूं। अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं तो यहां से जा सकती हो, मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं सही लगता हूं तो तुम मुझे नायडू के बेटे की डिटेल्स लाकर दोगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सात फेरे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मान लिया भाई। बस हर एक कदम ही क्यों, सात जन्मों तक साथ चलेंगे। मतलब सच्चाई है ना यार। निक तोड़ का नहीं तो नड़स्ता ना शास्त्री। क्या देख रही सबकी मौतें? बावर्ची है, देखो कितना इनोसेंट है, उसे और मारा तो मर जाएगा। बावर्ची ने सब कुछ ने, लेकिन अब देखो। जैसा आपने कहा था सर, मैंने वो सारे केसेस स्टडी किए जो डीजे ने सॉल्व किए थे, और मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन निकाली। उनमें मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला। क्या था वो? FIR लिखने वाला पुरुषोत्तम। पुरुष है लेकिन उत्तम नहीं, दिखने में राम जैसा पुरुषोत्तम लेकिन अंदर से रावण जैसा कपटी। उसे जखम दो, करंट दो, जमीन में गाड़ दो या हवा में उल्टा लटका दो। पुरुषोत्तम को ऐसा टॉर्चर करो कि उसकी हवा निकल जाए और वो आंधी बनकर डीजे तक पहुंचे और छक मारता हमारे पैरों पर गिरे। अब उसको जरिया बनाएंगे। कौन है? अरे अबे दुबई पहुंच गई। याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार। अरे वो रहा नायडू का। यू नो मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ यार हेलो। पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। You are finished. मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है, आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ वंडरफुल। अबे हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर, दे आर वेरी पावरफुल। तुमने बताया होगा ना वो कैसी आदतों का है। प्राउड हो रहा है इसको, मेरे जैसा बंदा मिला मुझे। ओ भाई साहब प्राउड हो रहा है। अच्छी अच्छी तरह वॉश कीजिए बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में। रेडी है? अच्छी तरह। ओ भाई, तुम्हारे डिजाइंस और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, सॉरी बाबा। हाँ मतलब 3 दिवस जाना है, शॉपिंग कराइए, स्टाइलिंग कराइए, बिजी शेड्यूल है यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। अबे इसने तो इसको भी क्रॉस कर दिए। हाँ श्योर, हाय कह रहे हैं। अच्छा मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, ये तो मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक बाबा। हाँ 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 तो नेटवर्क मिलता है।
ओके कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे उनका नाम पूछ रहे हैं पूर्णिमा रॉयल पूर्णिमा वहाँ लाखों आत्माएं होंगी आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा आईडी कार्ड आत्मा का यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है आत्मा कार्ड कौन सा है मम्मी ओल्ड फैशन है आई कार्ड नहीं रखती है कैसे जीती होंगी मुश्किल कैसी मर चुकी है ना आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा शॉपिंग पर चलें ज्यादा टाइम नहीं है या शॉप फैशन डिजाइनर अबे क्या पटाया दिस इज द बिगेस्ट मॉल हियर कैसा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग सर यार मुझे इसका स्टाइल एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग सर अबे हर जगह हेलो कहां है तू आने वाला था ना कहां रह गया कल जा रहा हूं मैं 900 करोड़ का मामला है अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है ओके लाला उसको सब पता ही लेट्स मूव हाँ माई हाँ बाबा शॉपिंग कर रहे हैं माई शॉपिंग कर दो बाबा am I disturbing no 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 carry on क्योंकि वो खुद ऐसा है सात साल का था जब माँ चल बसी एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी माँ के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया जूते से मारना चाहिए था उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता सजा देने वाले हम कौन होते हैं ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर ठीक किया ना ऑफकोर्स मैंने भी अपने पापा को मारा है क्या हाँ सर बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई आपकी मेड की तरह करते थे सारा बोझ मेरे सर पे आ गया सारा बोझ मेरे सर पे आ गया रोज वही कह के पकाते थे और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या मेरा मजाक बना रहा है तू पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार तो मेरी तरह माँ से बात करना पापा से क्या बात करता है मेरी माँ मुझसे नाराज है सर वो किस लिए पापा को मारा ना इसलिए तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं क्योंकि पापा बहुत खुश है सर वो किस लिए उन्हें माँ के पास भेजा ना बच्चे तो लॉजिक है मामला ये है ओ जालिम के बच्चे ओ कहां से बात घुमा काम में डाली हुए हेलो कहां फोन क्यों किया एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूं मैं क्या कहा रूफटॉप पर हो तुम वहीं रुको हे तुम कहां रहे हो आपके साथ नहीं तुम यहीं रुको ओ ओके ले भाई वो तो निकल गई लोपी हेलो Everything okay, Papa? I'm coming. ले ये तो वापसी जा रही। I think so. Hi, hi sir. Sorry for the delay. नए नोट हासिल करना इतना आसान नहीं है सर। हैं? ये क्यों? ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। Exactly कहाँ? मदीना कैफे, ओल्ड सिटी। मदीना कैफे। मदीना कैफे आधा नोट यानी कि वहाँ पे। चल बेटा तेरे बुरे दिन ले हैदराबाद जाओ तो डीजे विजयवाड़ा जाओ तो बावर्ची जगन्नाथ मतलब एक मोबाइल में दो सिम कार्ड और उसे सिग्नल देने वाला टावर तू है ना लेकिन तेरी वैलिडिटी अब खत्म हो गई है बता बता वो डीजे कहाँ मिलेगा जिस तरह तूने मुझे किडनैप किया है वो तेरे बेटे को किडनैप करने गया है मेरे बेटे को किडनैप ले भाई साहब इसको तो 440 वोल्ट का झटका दे दिया कहता है भाई साहब जिस तरह तूने मुझे किडनैप किया उधर डीजे तेरे बेटे को किडनैप कर रहा है लेकिन वहां से तो वो निकल गया है यार। लेकिन वो आधा नोट उसने फाड़ के दिया है कहता है कि ये तू वहां पे पहुंचेगा और आधा नोट तुझे ये क्या राज है नहीं अब ये मुझे नहीं पता इसके बारे में लेकिन अब ये तो आगे देखेंगे तभी आईडी लगेगा कि आधे आधे नोट का क्या पता निशानी हो ये आधा नोट दिखाए तो आधे नोट पर
कुछ हो। हाँ जाहरी बात है कोई एक होता है ना, ये सीक्रेट होता है कोई, ये हिंट होता है, अगले को हिंट दे रहा है कि भाई ये देख नोट पूरा ये जोड़ रहा है। हाँ ये जोड़ रहा है, लेकिन यार हो रहा है बेवकूफ मस्त बनाया है बहुत मस्त। वो मामा से बात कर रहा है, ये पापा से पहले उसको शक हुआ है थोड़ा सा, क्या कहता है तो तुझे माँ, तूने बाप को मारा तो तुझे माँ से बात करना चाहिए। आ, कहता तू तो है, बाप से नफरत करता आ, है कहता माँ तो नाराज है, कहता है क्यों बाप को जो मारा, कहता बाप फिर से तो खुश है, वो कहता क्यों वो है, वो कहता माँ के पास भेजे उसको। और भाई यकीन मान बहुत भाई, इसको पूजा ने सब बता दिया होगा ना इसके आत्मों के बारे में, जैसे वो खाने को अलग, नहीं 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 रुको रुको रुको, सैनिटाइज के हाथ में जेम्स होते हैं ना, उसको फ्रॉड फील हो रहा है कि भाई मेरे जैसे ही मुझे, मेरे जैसा, और ये नहीं पता इसको उल्लू बना रहा है यार, बहुत आला। लेकिन यार, अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हाँ। अब आगे देखते हैं कि अब आगे होता है क्या। तो बात